नमस्कार दोस्तों, एसजे ट्रेडर्स की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहला शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मेरे 1000 व्यूअर्स हो गए हैं। फ्रेंड्स मैंने जो ये चैनल बनाई है 4 जनवरी 2022 में बनाया था, जिसका आज 4 महीने के अंदर ही आपने ये 1000 व्यूअर्स ने मेरे वीडियो देखे है। फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं पूरे आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो अभी 30 सब्सक्राइब है इसको भी राउंड फिगर में आप वीडियो को शेयर करके लाइक करके सब्सक्राइब करके इसका भी टारगेट अचीव करा लेंगे। ओके चलो अब देखते हैं कि मंडे को यानी सोमवार को बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स इतने दिन मेरे घर पे नेट बंद था, इसलिए मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा था, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आने लगेगा क्योंकि मैंने नेट चालू करवा लिया है। तो आइए देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है सोमवार के दिन। फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करोगे ये करीबन 1 बजे यहाँ पे 1 बजे उसका हाई मारा था 17,377 के करीब उसका हाई था, और 1 बजे के बाद वो मार्केट पूरा नीचे गिरने लगा और उसने मारा लो 17,046 का लो मारा था। तो करीबन आप देखोगे तो यहाँ पे उसके गिरावट हुई है। फ्रेंड्स 1 बजे के बाद निफ्टी में करीबन 300 पॉइंट का गिरावट आया है लास्ट फ्राइडे के दिन, और उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स निफ्टी 50 का 17,109 उसका क्लोजिंग हुआ है। और यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स DJI यानी डाउ जोन्स 900 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है, और SGX निफ्टी फ्रेंड्स 166 पॉइंट यानी 16,960 पे क्लोज हुआ है, और हमारा निफ्टी 17,102 पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से आप डेटा चेक करोगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि सोमवार को भी निफ्टी गैप डाउन ओपन होगी, और गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो सकती है 16,957-950 के करीब ओपन हो सकती है। ओके और हो सकता है ये मैंने नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, हो सकता है कि सोमवार को अगर मार्केट US मार्केट और SBI निफ्टी प्लस में ओपन हुए तो फ्लैट भी ओपन हो सकता है। इसके लिए मैंने ये नो ट्रेडिंग जोन मार्क किया है जिसका रेंज रहेगा 17,050 से लेकर 17,111। अगर 17,050 ब्रेक करेगा तो मैंने 3 टारगेट दिए हैं डाउन की साइड में। उसका पहला टारगेट रहेगा 16,950, दूसरा टारगेट रहेगा 16,890, और तीसरा टारगेट आ सकता है 16,830 या 24। ओके लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो गैप डाउन ओपन होगा, और आपको गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो वहाँ पे 5 मिनट की एक बुलिश कैंडल का वेट करना पड़ेगा, हैमर कैंडल का वेट करना पड़ेगा, उसका बाद ही आपको बाइक की साइड में बैठना है। फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि मार्केट पूरा नेगेटिव है। अगर आप एक दिन के कैंडल में चेक करोगे तो यहाँ पे बेरिस इंगल्फिंग कैंडल बनाई है निफ्टी ने, तो अभी ये जो उन्होंने ट्रेंड पकड़ा है ये वाला ये रेंज पकड़ी है निफ्टी ने, उसी रेंज में वो घूमता रहा है कई दिनों के सेशन में। अगर कहीं पर भी ये रेंज टूट जाती है तो बड़ा वो फॉल आने की पूरी संभावना है निफ्टी के अंदर। तो फिलहाल सोमवार के लिए मैंने आपको जो लेवल मार्क किया है इस लेवल पे हमको काम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी और वहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल बनती है तो हम हैमर कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के हम कॉल बाई कर सकते हैं। और पुट की साइड में हम देखते हैं कि समझो कि 200-250 पॉइंट या 150 पॉइंट माइनस में ओपन होती है और वहाँ पे कुछ टाइम तक प्राइस एक्शन बनाती है निफ्टी, उसके बाद जिस तरफ वो ब्रेक करेगी उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ओके चलो देखते हैं अब बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे यहाँ पे 1 बजे के बाद उसकी साफ गिरावट आई है। 1 बजे उसका लो था सॉरी हाई था 36,700 के उसके पास उसका हाई था, और उसने वहाँ से लेके यहाँ तक रेंज बनाई है फ्रेंड्स करीबन 700 पॉइंट की गिरावट आई है 1 बजे के बाद बैंक निफ्टी में। तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है हमारे मार्केट के लिए, और मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी चल रही है, उस न्यूज़ के हिसाब से बैंक निफ्टी भी नेगेटिव यानी माइनस गैप डाउन ओपन होने की पूरी संभावना है। ये मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं, अगर समझ लो बैंक निफ्टी
द फ्लैट ओपन होती है बाई चांस 35,980 से लेके 36,100 और डाउन की साइड में ये लेवल ब्रेक करेगी 35,980, तो उसका टारगेट मैंने यहाँ पे दिया है आपको 35,750, दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया है 35,500 और तीसरा टारगेट मैंने दिया है 35,380। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हो सकती है, गैप डाउन कितना ओपन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है 35,750 के पास ओपन हो सकती है या 35,600 के पास ओपन होती है। अगर ज़्यादा 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो वहाँ पे हमें कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन बनने का, और प्राइस एक्शन बनने के बाद जिस तरफ कॉल की साइड या पुट की साइड में ब्रेक करेगी उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में वन डे की कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है हमें। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो जैसे निफ्टी ने बेरी सिंगल पिन कैंडल बनाई है, वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी बेरी सिंगल पिन कैंडल बनाई है जो एक नेगेटिव कैंडल है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं आप मंडे को कहाँ पे ओपन होती है वो हमें देखना पड़ेगा, और ये बहुत ही बड़ा गिरावट आने की पूरी पूरी संभावना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे जा रही है। ये ट्रेंड लाइन हम देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया बैंक निफ्टी ने तो उसका टारगेट बहुत ही बड़ा आ सकता है, करीबन 34,500 से लेकर 35,000 तक उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 1000 व्यूअर्स ने मेरे वीडियो देखे हैं, लेकिन आप मैं चेक करता हूँ तो पूरा वीडियो कोई लिखता नहीं है। वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए, और जैसे जैसे फ्रेंड्स व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे, मैं आपके लिए सेटअप तैयार कर रहा हूँ। उस सेटअप को मैं आपके बताने वाला हूँ जिससे आप 80-90% प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर हो सकता है ये आने वाला वीडियो में मैं आपको ये सेटअप बताऊँगा स्टॉक के बारे में, ओके क्योंकि 1000 व्यूअर्स के वीडियो देखे हैं उसकी खुशी में मैं आपको वन सेटअप दिखाने वाला हूँ आने वाले दिनों में। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।